ऑप्शन बी टू आ रहा है, रक्षक। ठीक, और कोई? देखो एक बच्चे ने तुरंत आंसर बता दिया टू। और कोई स्टूडेंट जो सही सही आंसर निकाल पा रहा है? स्वेस टू आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। और कोई बच्चा? फॉरवर्ड टू आ रहा है, वेरी गुड। सभी का आंसर टू आ रहा है, बताओ आंसर आ रहा है क्या टू सभी का? जिसका जिसका भी आंसर टू आ रहा है बिल्कुल सही बना रहे हो, आंसर हमारा टू आएगा। यस बी ऋतुजा, वेरी गुड, ऑप्शन टू सही है। चलो मैक्सिमम बच्चे ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, आंसर इसका टू बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। तुमको ही सॉल्व करना है, अगर नहीं सॉल्व होगा। अच्छा इसको सॉल्व करना होगा क्या मेरे को? बन गया ना सभी से? बन गया है ना सभी से? ये देखो बेटा, हम पहले ही बताए थे साइन थीटा कॉस थीटा का कोफिशिएंट अगर इंटरचेंज हो, इक्वल टू वन वन हो, तो इस दोनों का होल स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू वन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले सकते हैं ना दोनों को, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर वन स्क्वायर वन स्क्वायर टू आ जाएगा। देखो ना आंसर सॉल्व करेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना है, वन बाई से के माइनस टेन ए, वन बाई से के माइनस टेन ए, अब फिर दिया है माइनस वन बाई कॉस ए इक्वल टू डेस डेस डेस। ऑप्शन ए टेन ए, ऑप्शन बी कॉस ए, ऑप्शन सी साइन ए, ऑप्शन डी कॉस ए के कॉट ए। हमको बोला है वन बाई सेक माइनस टेन है, माइनस है वन बाई कॉस है, इक्वल टू क्या होगा बताओ? चार ऑप्शंस तुम्हारे सामने, सॉल्व करेगा। सॉल्व करो और आंसर बताओ मेरे को। हाँ सॉल्व होने के बाद आंसर मेरे को बता देगा बेटा। बताओ आ रहा है क्या? वन बाई सेक ए माइनस टेन ए, फिर माइनस वन बाई कॉस ए इक्वल टू चार ऑप्शन, टेन ए कॉस ए साइन ए कॉट ए। सॉल्व करो, टाइम दिए तेरे को 1 मिनट का हम। कोई बहादुर बच्चा जो आंसर इसका निकाल लिया? अच्छा ऑप्शन ए, ठीक
एक बच्चे का आंसर 10 ए आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। और कोई? और कोई स्टूडेंट जिसने इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया सही सही और चार ऑप्शंस में से अपना ऑप्शंस मेरे को बता सकता है, तेरा ऑप्शंस क्या रहा है? बेटा देखो, एक बच्चे ने मेरे को आंसर बताया 10A, बिल्कुल सही आंसर बताया है, बिल्कुल सही आंसर है 10A, इसका आंसर 10A आएगा। कैसे आएगा? देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व तुम नहीं कर पा रहा है, देखो इसको बता दे, 1/sec A और माइनस क्या है 10A, और फिर यहां माइनस क्या है 1/cos है। देखो sec a माइनस 10a, याद करो हम तेरे को लिखाए थे आइडेंटिटी सेकेंड और उसमें एक रिजल्ट लिखाए थे कि sec a माइनस 10a और इंटू sec a प्लस 10a दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 1 होता है, कब? जब दोनों आपस में एक दूसरे का रिसिप्रोकल हो, ठीक है। तो यहां से 1/sec A - 10A, अगर 1/sec A - 10A इसको हम क्या लिख सकते हैं? sec A प्लस 10A लिख सकते हैं, बताओ, लिख सकते हैं यस या नो? इस वाले पोर्शन को ओनली लिख सकते हैं, यस? देखो अच्छे से, 1/sec A - 10A क्या लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? इस वाले पोर्शन को हम लिख सकते हैं, sec A प्लस 10A लिख सकते हैं ना? क्या बेटा, रिजल्ट नंबर आइडेंटिटी सेकेंड, और हम तेरे को बताए हैं वो जो आइडेंटिटीज है उसको जो हम एक्सप्लेन किया ना एक एक पॉइंट, बहुत ही काम का चीज है, किस क्वेश्चन में कहां लग जाएगा कहां ना मुश्किल है। इस वाले पोर्शन को हम बोल सकते हैं sec A प्लस 10A, यहाँ माइनस है तो माइनस, और ये 1/cos है तो मेरा sec A होता है, ये तो हो गया मेरा sec A। अब देखो यहाँ प्लस sec A है और माइनस sec A, तो ये तो sec sec से कैंसिल, तो बचेगा क्या? ओनली 10A। एक बच्चे ने मेरे को आंसर बताया, बिल्कुल सही आंसर बताया था ऑप्शन से 10A। आया बात समझ में बेटा? बताओ यहां तक किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम? रिप्लाई दे देगा मेरे को, नो, नोट कर लो इसको, नोट करना है किसी को? हो गया नोट? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दिया हुआ है इफ साइन थीटा और फिर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन देन कॉस स्क्वायर थीटा फिर प्लस कॉस के पावर 4 थीटा इक्वल टू डिस, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी रूट 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 2। सॉल्व करो नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर बताएगा मेरे को सॉल्व करके? ऑप्शन सी स्पेस 1 आ रहा है, तो एक बच्चे तो खटाखट से आंसर ही बता दे रहा है। तो देखो
ठीक है। और कोई बहादुर बच्चा, बहुत ही बेसिक दिया हुआ है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन है, तो बोलता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर फोर थीटा इक्वल टू डेस डेस डेस, दिशा वन आ रहा है, ऑप्शन सी। ठीक, और कोई सॉल्व करो उसको जल्दी से फास्ट। बट इस क्वेश्चन को बनाने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। मेरे को यहां दिया है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, इसको उठा के इधर लगे गए, तो साइन थीटा इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से साइन थीटा इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब जहां कॉस स्क्वायर थीटा है वहां हम साइन थीटा लिख सकते हैं, तो हमको बोल रहा है इसका रिजल्ट निकालिए। तो यहां से बेटा ये कॉस स्क्वायर थीटा और फिर प्लस है कॉस के पावर फोर थीटा, ये तो कॉस स्क्वायर थीटा, इस पावर फोर को तो हम ऐसे लिख सकते ना, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब इस कॉस स्क्वायर थीटा तो हमारा साइन थीटा होता था, इसके जगह में तो साइन थीटा हो गया, फिर प्लस ये भी कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला भी पोर्शन हमारा साइन थीटा हो जाएगा, इसके जगह में साइन थीटा, यहाँ होल स्क्वायर से, तो ये क्या हो गया साइन थीटा, और फिर प्लस ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो फिर तो इसको सॉल्व किए तो वही आ गया था, इसका रिजल्ट तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या है वन, तो वन ऑप्शन सी आ रहा है बेटा, बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ क्वेश्चन लिख रहे हैं नेक्स्ट यहाँ पर, ठीक है, सॉल्व करेगा जल्दी से, जिसका नोट नहीं, जिसको नहीं सॉल्व आया वो नोट भी करो, जिसका सॉल्व कर लिया हो वो सेकंड क्वेश्चन यहां हम लिख रहे हैं इसको सॉल्व करेगा। इफ इफ साइन थीटा बाई वन प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा बाई वन प्लस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा प्लस वन प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू फोर बाई रूट थ्री, इक्वल टू फोर बाई रूट थ्री, फोर बाई रूट थ्री। तो मेरे को बोलना है देन द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, देन द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इक्वल टू डेस डेस डेस, ऑप्शन ए रूट थ्री, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी वन बाई रूट थ्री, ऑप्शन डी जीरो। बता दो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है, साइन थीटा डिनोमिनेटर में वन प्लस कॉस थीटा, फिर प्लस वन प्लस कॉस थीटा डिनोमिनेटर में साइन थीटा इक्वल टू फोर बाई रूट थ्री है, तो मेरे को बोलना है देन द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इक्वल टू डेस डेस डेस, चार ऑप्शन रूट थ्री वन वन बाई रूट थ्री जीरो, क्या आएगा आंसर। इसको हटा दे क्या, ये तो नॉट हो गया होगा सभी का, सॉल्व करो बेटा जल्दी से। जिसका सॉल्व हो जाएगा वो मेरे को आंसर बताएगा, गुंजन रूट थ्री, ठीक, वेरी गुड। और कोई बच्चे सॉल्व करो, एक स्टूडेंट ने रूट थ्री बता रहा अपना आंसर, सॉल्व करेगा इस क्वेश्चन को, खुद से दिमाग लगाओ, पेन उठाओ, नोट कॉपी लो, उसमें सॉल्व करो, दिमाग लगाओ कि इतना प्लस इतना इक्वल टू फोर बाई रूट थ्री है, तो टेन थीटा क्या होगा, चार ऑप्शन तुमको दे दिया,
बेटा ये सब क्वेश्चन देखने के बाद ही सॉल्व होगा। देखो अब जिससे सॉल्व नहीं हो पा रहा है सॉल्यूशंस, मेरे को ये दिया हुआ है, ये गिवेन, ये मेरे को दिया हुआ है। मेरे को दिया क्या है कि साइन थीटा बाई वन प्लस कॉस थीटा प्लस वन प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, मतलब मेरे को दिया है साइन थीटा बाई वन प्लस कॉस थीटा, फिर प्लस वन प्लस कॉस थीटा, फिर प्लस बाई साइन थीटा इक्वल टू कितना दे दिया है, 4/√3। अच्छा बेटा तुम माइंड अपना घुमाओ और मेरे को बताओ, इस टाइप से कभी रिजल्ट देखे थे साइन थीटा बाई वन प्लस कॉस थीटा, कभी हम तुमको रिजल्ट बताए इस टाइप का? बताओ तो, साइन थीटा बाई वन प्लस कॉस थीटा, कभी हम रिजल्ट इस टाइप से लिखाए थे? यस याद करो, हम लिखाए हैं आइडेंटिटीज फर्स्ट में, उसको जब डिस्कस किए थे वहां पर तोड़ तोड़ के लिखाए थे कि साइन थीटा बाई वन प्लस कॉस थीटा रहेगा तो तुम्हारे दिमाग में ये बजना चाहिए कि इसको तो हम वन माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताओ तो, ये दोनों का दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल है। आइडेंटिटीज फर्स्ट डिस्कस किए थे और वहां एक्सप्लेन भी किए थे ये कैसे आता है, तो जैसे ही हम इसको देखे तो हम इसको लिख देंगे तुरंत वन माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और फिर यहाँ प्लस वन प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या है 4/√3। ऐसा हम क्यों लिख दिए, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर साइन थीटा हो गया, मेरे को एलसीएम लेने में इजी हो जाएगा। अब हम दोनों का डिनोमिनेटर साइन थीटा है तो हम एलसीएम डायरेक्ट साइन थीटा हो गया, जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो नॉमिनेटर सेम टू सेम हो जाएगा, यहाँ वन माइनस कॉस थीटा है तो यहाँ भी वन माइनस कॉस थीटा, फिर प्लस वन प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या है 4/√3, प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, वन प्लस वन टू बाई क्या हो गया साइन थीटा इक्वल टू क्या है 4/√3। देखो टू टू जा फोर तो वन बाई साइन क्या हो गया कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया 2/√3। अब बेटा कॉसेक थीटा इक्वल टू 2/√3, तो ये 2/√3 कॉसेक कितना डिग्री का रिजल्ट है बताओ तो मेरे को, कॉसेक कितना डिग्री का रिजल्ट है 2/√3। याद करो स्टार्टिंग में एक टेबल लिखाए थे और बोले थे कि रिजल्ट एकदम याद रखना 60 डिग्री, कॉसेक 60 का रिजल्ट होता है 2/√3, साइन 60 √3/2 होता है तो कॉसेक 60 क्या हो जाएगा 2/√3। तो यहां से हम बोल सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या कॉसेक 60, तो यहां से मेरा दोनों तरफ हम कंपेयर करेंगे तो थीटा मेरा कितना हो जाएगा बेटा 60 डिग्री, थीटा मेरा कितना हो गया 60 डिग्री। अब मेरे को बोला था टेन थीटा, मेरे को बोला था टेन थीटा निकालने, तो टेन थीटा, थीटा की जगह हम रख देंगे 60, तो टेन 60, और टेन 60 का रिजल्ट √3, तो आंसर क्या हो गया √3 ऑप्शन से। आया समझ में? बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये भी बताना मेरे को, आ रहा है समझ में कैसे हम निकाल रहे हैं आंसर, और रिजल्ट का जो हम पढ़े हैं उसका कैसे यूज कर रहे हैं, समझ में आ रहा है सभी बच्चे को? यस यस हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस, और हम उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चंस तुमको तुम लोग सही से बनाओ। यहां पर हम बस रिजल्ट चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन चेंज कर दे थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी टाइप से एक क्वेश्चन दे रहे हैं और गलत कोई नहीं बनाएगा, टाइम लेगा थोड़ा सा और बिल्कुल सही से बना के दिखाएगा मेरे को। इफ इफ कॉस थीटा बाई वन माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा बाई वन माइनस साइन थीटा, और फिर प्लस, और यहां पर है कॉस थीटा बाई वन प्लस साइन थीटा इक्वल टू है फोर, इक्वल टू है मेरा फोर, तो मेरे को बोल रहा है देन द वैल्यू ऑफ, देन द वैल्यू ऑफ, देन द वैल्यू ऑफ, देन द वैल्यू ऑफ
टेन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज, टेन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज ऑप्शंस ए, ऑप्शंस ए में दे दिया क्या 4/√3, ऑप्शन बी 1/√3, ऑप्शन सी 2/√3, ऑप्शन डी 5/√3। बताओ यहां cos theta by 1 minus sin theta, फिर प्लस cos theta by 1 plus sin theta equal to 4 है। सोच समझ के सॉल्व करेगा। और मेरे को आंसर बताएगा। टाइम लो, टाइम 1 मिनट टाइम लो सॉल्व करने के लिए, लेकिन आंसर सही सही बताएगा, गलत नहीं बताएगा। सॉल्व करेगा इस क्वेश्चन को। cos थीटा by 1 minus sin थीटा plus cos थीटा by 1 plus sin थीटा equal to 4 है, तो then the value of tan थीटा plus cosec थीटा is 4 options, 4/√3, 1/√3, 2/√3, 5/√3। ऑप्शन डी ठीक। और कोई सॉल्व करो जल्दी से। ऑप्शन डी गुंजन ठीक, डी ठीक। मैक्सिमम बच्चे का ऑप्शन डी आ रहा है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी ही आएगा, 5/√3 ही आएगा आंसर, बिल्कुल सही है। देखो cos थीटा डिनोमिनेटर में है 1 minus sin थीटा, फिर प्लस है हमारा क्या cos थीटा और डिनोमिनेटर में क्या है 1 plus sin थीटा इक्वल टू है हमारा 4। देखो अब यहां पर ना इस cos थीटा बाई 1 minus sin थीटा की जगह में 1 plus sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं, लेकिन लिखने से मेरा काम कुछ बेनिफिट होने वाला है नहीं, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि हम लिखेंगे तो हमको कुछ बेनिफिट हो जाएगा, नहीं, लिखने से भी हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो,
यहां वन माइनस साइन थीटा और फिर इंटू वन प्लस साइन थीटा, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई तो कॉस थीटा वन प्लस साइन थीटा, फिर प्लस इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहां कॉस थीटा वन माइनस साइन थीटा इक्वल टू फोर। दोनों से नॉमिनेटर से कॉस थीटा कॉमन, यहां बचा वन प्लस साइन थीटा, फिर प्लस यहां बचेगा क्या वन माइनस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो वन का स्क्वायर वन और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू फोर। यहाँ साइन थीटा कैंसिल, वन प्लस वन टू, तो ये हो गया क्या टू कॉस थीटा, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया टू। इस स्क्वायर से ये कॉस थीटा कैंसिल, तो यहां से टू कॉस थीटा यहां बचेगा क्या टू, और डिनोमिनेटर बचा क्या ओनली कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया टू। वन बाई कॉस थीटा क्या जाएगा सेक थीटा, क्या जाएगा टू सेक थीटा इक्वल टू टू इक्वल टू क्या बचेगा अरे फोर है ना, सॉरी इधर फोर है, यहाँ कितना है फोर फोर, तो टू टू जा फोर, तो सेक थीटा इक्वल टू कितना हो गया टू। ये टू कितना डिग्री होता है सेक, सेक सिक्सटी मतलब ये हो गया क्या सेक सिक्सटी डिग्री, इधर हो गया क्या सेक थीटा, तो थीटा यहां से कितना डिग्री आ गया, तो यहां से दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो थीटा इक्वल टू मेरे को 60 डिग्री आ गया। अब इस थीटा को हम यहां पर टेन थीटा और कॉसेक थीटा इस दोनों की जगह में रखेंगे थीटा, तो यहां जब थीटा और यहां थीटा रखेंगे तो मेरे को आंसर आ जाएगा, तो आंसर आएगा क्या ऑप्शन डी 5/√3। आ रहा है समझ में, क्या बेटा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है समझ में, गुंजन यस। इसका थीटा हम निकाल दिए 60, अब इस 60 को हम यहां रख देंगे टेन 60 कॉसेक 60। अब मेरे को रिजल्ट भी याद होना चाहिए ना, टेन 60 का रिजल्ट कॉसेक 60 का रिजल्ट भी याद होना चाहिए, तब तो जाके हम सॉल्व कर पाएंगे। तो रिजल्ट भी इसलिए हम पहले टेबल तेरे को लिखाए थे ताकि कहीं भी आ सकता है और रिजल्ट सब याद होना चाहिए। ठीक है, नोट करना है क्या किसी को, बताओ नोट करना है क्या किसी को, नेक्स्ट हम क्वेश्चन दे दे रहे हैं तब तक, जैसे क्वेश्चन दे देगा इफ इफ क्वेश्चन दे दिया तुमको कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में वन प्लस साइन थीटा, फिर प्लस अब यहां दे दिए वन प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू हमको दे देगा इक्वल टू हमको दे दे फोर ही दे दे, चलो फोर ही ले लो, थोड़ा सा चेंज किया क्वेश्चन में, देन बस थोड़ा सा चेंज किया इस क्वेश्चन में, कॉसेक थीटा मेरे को बता दो, कॉसेक थीटा मेरे को क्या आएगा रिप्लाई देगा मेरे को जल्दी से, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया हम, कॉसेक थीटा बता देगा मेरे को, सॉल्व करके बता दो मेरे को कॉसेक थीटा। टू बाई रूट थ्री, गुंजन वेरी गुड। और कोई बच्चे जो इसको सॉल्व कर सकता है कॉस थीटा बताएगा मेरे को, टू बाई रूट थ्री स्वेस, ठीक और कोई
टू बाई रूट थ्री, टू बाई रूट थ्री ही आएगा। देखो यहां तो कॉस थीटा है और डिनोमिनेटर में क्या है, वन प्लस साइन थीटा, फिर प्लस है यहां पर वन प्लस साइन थीटा और डिनोमिनेटर में क्या है कॉस थीटा और इक्वल टू क्या है मेरा फोर। अब देखो यहां पर हम इसमें कुछ कर सकते हैं, यहां में इस कॉस थीटा बाई वन प्लस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी फर्स्ट से कि वन माइनस साइन थीटा और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा। ऐसे लिखने से मेरे को क्या होगा ना, एलसीएम लेने में इजी हो जाएगा, इसको सेम टू सेम। अब दोनों का डिनोमिनेटर मेरे का कॉस थीटा आ गया तो मेरा थोड़ा काम इजी हो जाएगा, थोड़ा सा काम मेरा जो है वो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया कॉस थीटा। जिनसे नहीं बना है उनके लिए यहां से अब एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा हो गया और नॉमिनेटर में वन माइनस साइन थीटा फिर प्लस है वन प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्या है फोर। साइन थीटा कैंसिल वन वन टू, तो टू बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया फोर। तो टू वन बाई कॉस क्या हो गया सेक थीटा इक्वल टू फोर, टू टू जा फोर तो सेक थीटा इक्वल टू टू। जस्ट अभी देखे सेक थीटा इक्वल टू टू मतलब थीटा इक्वल टू सिक्सटी, थीटा इक्वल टू सिक्सटी। जब थीटा 60 है यार मेरे को बोल रहा है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, तो थीटा की जगह हम रखेंगे 60, कॉसेक 60, और कॉसेक 60 क्या आ जाएगा 2 बाई रूट 3। फाइनल आंसर। तो हम लोग रिजल्ट कैसे लगा रहे हैं समझ में आ रहा है बताओ, किसी बच्चे को प्रॉब्लम है? यस सर, अच्छा समझ में आ रहा ना। तो जो रिजल्ट हम पढ़े हैं पहले स्टार्टिंग में तेरे को हम एक एक रिजल्ट को एक्सप्लेन कर दिए थे, तेरे को समझा दिए थे कैसे आ रहा है, कहां से आ रहा है, नहीं टोटल चीज समझा चुके हैं हम। अभी हमारा काम है सिर्फ क्वेश्चंस तेरे को दिखाना कि उस रिजल्ट पर कैसा क्वेश्चन आता है और क्वेश्चंस को देखने। अच्छा अभी तुम ये तो हम उठा रहे इलेवेंथ का जो बुक है ना, इलेवेंथ का जब तुम बुक उठाएगा क्लास इलेवेंथ का जो स्टेट बोर्ड का बुक है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, उसमें ना बहुत सारा क्वेश्चंस प्रूफ डेट है, प्रूफ डेट क्वेश्चंस है, ठीक है ना। हम तेरे को बता रहे हैं जो रिजल्ट हम तेरे को लिखा है ना, उस रिजल्ट को तुम वहां लगाएगा ना तो एक एक लाइन में सिर्फ प्रूफ हो जाएगा क्वेश्चंस, एक एक लाइन में, मतलब एक लाइन में क्वेश्चंस प्रूफ, मतलब दो से तीन स्टेप में तुम क्वेश्चंस को प्रूफ कर देगा जो रिजल्ट हम तेरे को बताए हैं। और जो रिजल्ट हम तेरे को लिखा है आइडेंटिटीज फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उसके आगे जो भी बेसिक चीज हम लोग लिखे हैं, जो भी रिजल्ट पढ़े हैं, उस रिजल्ट को वहां लगा के बहुत ही कम स्टेप में हम क्वेश्चंस को प्रूव कर सकते हैं। आ रहा है बात समझ में? तो आज यहीं तक रहने दो, ठीक है, आज थोड़ा सा लेट भी हो गया हमको, ठीक ना, इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो चलो बेटा भाई, और नेक्स्ट क्लास इसके आगे।